तिवारी जी एक अच्छे पंडित हैं जो कि मरे हुए लोगों का श्राद्ध कराने का काम करते हैं, और वही करके उनकी जितनी भी आमदनी होती है उसी से उन लोगों की गृहस्थी चलती है। एक दिन किसी दूर गांव में श्राद्ध का काम पूरा करके उन्हें वापस लौटने में काफी रात हो जाती है। वो वापस आकर देखते हैं कि उनकी पत्नी दरवाजा बंद करके सो रही है। ओ भगवान, दरवाजा खोलो, खोलो। ओ भगवान, अरे घोड़े बेचकर सो रही हो क्या? अरे बाप रे, ये मैं कैसी मुसीबत में फंस गया। एक तो पूरे दिन काम करने के बावजूद अच्छी आमदनी नहीं हुई, ऊपर से ये घर का दरवाजा नहीं खोल रही, क्या मुसीबत। अरे ओ भाग्यवान, दरवाजा तो खोलो। क्या मुसीबत है, आज तो पूरी रात बाहर ही रहना पड़ेगा ऐसा लगता है। अरे गया काम से, ये तो करवट लेकर फिर सो गई। अरे कैसी पत्नी है, इसका पति घर आया कि नहीं, कुछ खाया कि नहीं, इसे कोई चिंता है ही नहीं, बस खराटे लेकर सो रही है। परेशान होकर तिवारी जी घर के बरामदे में रखी हुई खटिया लेकर बिछा लेते हैं। हाय रे मेरी किस्मत, अब यहाँ पर मच्छरों से कटवा कर रात गुजारनी पड़ेगी मुझे। वो ब्रह्मदेव नहीं आ सकते हैं। ये क्या? क्यों? क्या बताऊं, कल रात से ही उन्हें 170 बार हो चुका है और अभी तक उनका आना जाना वही चल रहा है। कहाँ कहाँ? और कहाँ, आज दिन भर वो सिर्फ शौचालय ही जा रहे हैं। क्यों, ब्रह्मदेव को आखिर हुआ क्या है? अरे कल उन्होंने 3.5 किलो सड़े हुए केकड़े खा लिए थे। वो तो सिर्फ साफ सब्जी खाते हैं, अचानक से इतना ऐसा खाना खाएंगे तो पेट बिगड़ेगा ही ना। सत्यनाश, यहाँ तो सिर्फ बोरत ही निकलता जा रहा है, अब इन लोगों की शादी कौन करवाएगा? वही तो। अच्छा हम लोग इधर उधर देख के आते हैं, हमें शायद इंसानों में कोई पंडित मिल जाए। वो तो ढूंढना ही पड़ेगा, वरना इस पूतनी की शादी नहीं हो पाएगी। जाओ देखो, अगर आने के लिए ना माने तो उठा कर लाना। भूत लोग पंडित की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो लोग एक पंडित के घर आकर रुकते हैं। कौन है? अरे वो हमारी बेटी की शादी है, हम लोग आपको लेने आए हैं। कौन हो भाई, इतनी रात में आए हो? हम लोग भूत हैं। भूत? भूत? अरे बाप रे, भूत? अरे हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले। क्या हुआ? और थोड़ी देर हो जाती तो शरीर से तो प्राण ही निकल जाते हैं। अच्छा हुआ कि हम लोग वहाँ से जल्दी से भाग आए हैं। चलो चलो किसी और को ढूंढते हैं, चलो आइए। पंडित जी, ओ पंडित जी। कौन है? हम लोग भूत हैं। अरे बाप रे। अरे भाग भाग भाग, जल्दी से भाग यहाँ से। सारे पंडित भूत का नाम सुनकर ऊपर वाले का नाम जपने लगे और भूत लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब क्या होगा भाई, पंडित तो ढूंढना ही पड़ेगा ना भाई। लेकिन हम लोग जिसके पास भी जा रहे हैं वो सभी वो नाम बोलकर हमें वहाँ से भगा दे रहे हैं। सुन, इस बार हम लोग ये नहीं बताएंगे कि हम लोग भूत है। हाँ, पंडित तो लेकर जाना ही पड़ेगा, वरना अगर शादी टूट गई तो कालू भूत भूतों की जिंदगी का त्याग कर देगा। चलो चलो चलो, जल्दी जाते हैं यहाँ से। वो देख, मिल गया। क्या भाई? एक पंडित देख बरामदे में, चल चल चल। देख 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 भाई, इसके पास कोई किताब है। हाँ है। तो फिर इसे उठा लेते हैं ना। सुनो तुम लोग आ जाओ, इसे खटिया के साथ ही उठाना होगा। अच्छा, अरे अरे
ये क्या, ये तो चल रहा है। इसका मतलब मैं उड़ रहा हूँ। मैं क्या मर गया हूँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्वर्ग? सुनो, तुम लोग कौन हो? क्या मैं मर गया हूँ? नहीं, आप मरे नहीं है। तो इसका मतलब मैं जिंदा हूँ। तो फिर तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो भाई? मैं क्या आसमान की सैर करने निकला हूँ? आपको शादी करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। शादी हो जाने के बाद आपको वापस घर छोड़ देंगे। लेकिन मैं तो कंटाहा पंडित हूँ। चुप, बिल्कुल बात मत करो आप। ठीक है, लेकिन मुझे तो शादी के मंत्र फिर से। अरे ये तो बांस का बागीचा है। हाँ, हम लोग यहीं तो रहते हैं। ओह, लेकिन यहाँ तो बहुत अंधेरा है भाई। शादी के घर में रोशनी होती है। हम लोगों को रोशनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या? तुम लोग कौन हो भाई? हम लोग तो भूत हैं। क्या? सत्यनाश! अरे बाप रे! चलो अब और बात मत करो, चुपचाप से शादी करवा दो वरना। अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है। सुनो, सभी को जाकर के ये बता दो कि हमें पंडित जी मिल गए हैं। मिल गए हैं। अच्छा, अब आप लोग वधू को लेकर आ जाइए। जाओ जाओ जाओ, दूल्हा और दुल्हन को लेकर के आओ। दूल्हा और दुल्हन को लेकर के आते हैं, लेकर आते हैं। एक दूसरे को देखने की विधि होगी। वरवधु, आप लोग आओ। कन्या देखो, शादी करवाइए पंडित जी। शादी तो हो गई। हो गई मतलब? अभी तो शादी शुरू ही हुई है। अभी तो बस दोनों ने एक दूसरे को देखा ही है। अच्छा अच्छा, तो फिर अब वरमाला होगी। वरमाला होगी। वरवधु, एक दूसरे को माला पहनाइए। वरमाला हो गई। अरे हाँ, अब मैं क्या बोलू। अब वधू मारेगी और वर माफी मांगेगा। अब वधू वर को डंडे से पिटाई करेगी और वर कान पकड़ के उठक बैठक करेगा। करो करो करो, उठक बैठक करो करो। देखा, इसे ही कहते हैं भूतों की शादी। सच में भाई, हमारे ब्रह्मदैत्य तो ये सारी विधि करते ही नहीं। आप कब वापस आए जी? ओ भाग्यवान, सुनो, अब मेरे साथ क्या हुआ है सुनो। अब मुझे लेकर आप लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? आपको शादी करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। शादी हो जाने के बाद आपको वापस घर छोड़ देंगे। वरवधु, एक दूसरे को देखो। अब इसके बाद माला बदल होगा। अब वधु मारेगी और वर माफी मांगेगा। अरे वाह, इतना सब कुछ! क्या बात है, आपको श्राद्ध कराने पर इतना कुछ मिला है? नहीं भाग्यवान, शादी कराने के बाद। आपको तो शादी के मंत्र ही नहीं आते। वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाग्यवान, भूतों की शादी करके। है? क्या बोल रहे हो, भूतों की शादी कराने पर सोने के कंगन? कौन? तिवारी जी घर पे है क्या? क्यों, क्या बात है? वो उन्हें भूत की शादी करवानी पड़ेगी। आती हूँ। दरवाजा मत खोलो, वो लोग फिर से मुझे उठाकर लेकर चले जाएंगे। ले जाएंगे तभी खोल रही हूँ। सुनिए, आज से आप भूतों की ही शादी करवाइएगा। अरे भाग्यवान, इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है। चुप रहिए, जिंदगी भर इंसानों का श्राद्ध कराने के बाद सिर्फ केले और थोड़े से चावल लेकर आते थे। ये सब खा कर मेरी जीभ का स्वाद बिगड़ गया है। आइए बेटा, अंदर आइए।
ले जाइए, यही है शादी वाले पंडित जी, ले जाइए। भाग्यवान, सुनो सुनो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अच्छा ये बताइए, शादी के बाद दक्षिणा क्या मिलेगी? वो सोने का एक हार और 10 सोने के सिक्के मिल जाएंगे उन्हें। अच्छा अच्छा, वाह वाह, ये मुझ पे कितना सुंदर लगेगा। जाइए जाइए जाइए, इन्हें ले जाइए, जाओ। ओ भाग्यवान, सुनो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। और आप लोग जाते समय दरवाजा खुला छोड़कर जाइएगा, क्या पता शायद कोई और भूत आकर अपनी शादी का न्योता दे जाए।